सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग सीजन 13 में कॉन्करर कैसे जा सकते हो। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं सीजन 10 में कॉन्करर गया था और डुओ में कॉन्करर गया था। और आज की इस वीडियो में आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप लोग सीजन 13 में कॉन्करर कैसे जा सकते हो और किस टाइम पे आप लोग को कॉन्करर पुश करना है। ए टू जेड डिटेल्स मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में। और जब मैं खेलता था गाइस, कुछ नया मोबाइल लिया था, सॉरी न्यू आईपैड लिया था मैंने, ठीक है। सीजन 10 में जब मैंने सबसे शुरू में स्टार्टिंग में पुश किया था, सबसे शुरू पुश था वो मेरा ज़िंदगी में। उससे पहले कभी भी पुश नहीं किया था जब मैंने आईपैड लिया था। जब लगभग एक वीक हुए तो मैं सही से खेल भी नहीं पाया था, ठीक है, सही से खेलना भी नहीं सीखा था जब मैं पबजी मतलब आईपैड में। तो जब मेरी 3.5 की केडी में मतलब कि कॉन्करर पहुंच गया था, और वैसे थी गाइस 4.5 की 5 की केडी थी, तो बस हैकर मिल के बस 3.5 की केडी हो गई मेरी, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर कॉन्करर पुश कर रहे होगे, अगर नहीं हुआ होगा तो किस वजह से आपका नहीं हुआ होगा कॉन्करर, आपको पता होगा हैकर्स की वजह से और कैंपर की वजह से, ठीक है। सो इस वीडियो को फुल देखते रहना गाइस, आप लोग को ए टू जेड डिटेल्स बताऊंगा इसी वीडियो में, हर एक चीज़ बताऊंगा जो कि भाई पूरे YouTube पे नहीं बताई होगी किसी ने। और आप लोग को किस में क्या पुश करना चाहिए कैसे पुश करना चाहिए, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में बताऊंगा, हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो बस आपको करना क्या है गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ वो चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और पॉइंट्स की बात रही तो पॉइंट्स भी आपको बताऊँगा सारे, मतलब डिटेल्स में बताऊँगा। पॉइंट्स के ऊपर तो मैंने वीडियो भी बना के रखी है कि आप लोग को पॉइंट्स कितने मतलब लगते हैं कॉन्करर जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई कई बंदों को भाई अभी यह नहीं पता होता है, जो भी स्टार्टिंग में पुश करता है उसको यह भी नहीं पता होता है कि भाई पॉइंट कैसे कितने चाहिए रहते हैं। हमारे यहाँ तो लिखा रहता है भाई 4200, तो 4200 में हमें कॉन्करर नहीं मिलता, हम लोग चले भी जाते हैं फिर भी, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट्स के ऊपर कन्फ्यूजन है तो उसकी वीडियो मैंने आपको बना के रखी है, वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आप लोग को सोलो में कॉन्करर जाना है तो उसकी वीडियो भी मैंने बना के रखी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का गाइस, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी। सो गाइस, आप लोग ने मेरे चैनल पे बहुत सारी कॉन्करर की वीडियो देखी होगी, और उसमें से गाइस ये हटके वीडियो है, बहुत हटके वीडियो होने वाले है, क्योंकि जो मैं टिप्स बता चुका हूँ वही टिप्स नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, क्योंकि मेरे को अलग भी बताना है कुछ, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को सबसे पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप लोग किस में कॉन्करर जाना चाहते हो, सोलो में, डुओ में, स्क्वाड में, ठीक है। अगर आपके पास भाई अगर आप अच्छा खेलते हो, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है और आप लोग सोलो में कॉन्करर जाना चाहते हो खुद अपन, अगर आपने ठान के रखा है कि हाँ मैं सोलो में कॉन्करर जा सकता हूँ, और अगर सोलो में कॉन्करर नहीं जा पाते हो, अगर नहीं जा पाओगे, ये अगर आप लोग के मन में है भाई कि कैंपर्स मुझे मार देंगे, तो उनके लिए क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले तो गाइस आपको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर स्क्वाड है जो कि भाई अच्छे से खेलती है, तो आप लोग को कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आप लोग को ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग के पास स्क्वाड है, प्रॉपर स्क्वाड है गाइस, तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और नहीं तो अगर आपके पास भाई स्क्वाड नहीं है, अच्छी स्क्वाड नहीं है, जिनका मतलब कि जो भी बंदे के पास स्क्वाड नहीं रहती है, मेरे पास खुद अभी प्रॉपर स्क्वाड नहीं है, इसलिए मैं पुश नहीं कर रहा हूँ स्क्वाड में, कभी भी ट्राई नहीं किया स्क्वाड में पुश करने का, तो इसलिए यार सोच रहा हूँ इस सीजन पुश कर लूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉपर स्क्वाड नहीं है इसलिए पुश नहीं हो पाता है। तो गाइस देखो, जिनके पास स्क्वाड नहीं है वो क्या करेंगे, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है गाइस मैं कैसा खेलता हूँ, ठीक है, मैं क्लोज रेंज में कैसा खेलता हूँ, मतलब कि आपको खुद ट्राई करना है कि गाइस मैं खेल पाता हूँ अच्छे से या नहीं खेल पाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जैसा खेलते हो ना, जैसा आप लोग खेलते हो वैसा ही आपको एक बंदा ढूंढना है पहले तो, अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसा खेलते हो वैसे ही आप लोग को एक टीममेट ढूंढना है आपके लिए, ताकि आप लोग डुओ पुश कर पाओ, ठीक है। सेम आपको वैसे ही टीममेट ढूंढना है, ठीक है, ताकि जैसा आप खेल रहे हो वैसा वो भी खेले, तो आप लोग को पता होगा कि मैं जैसा खेल रहा हूँ वो वैसा खेल रहा है, तो अब वो फाइट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, वहाँ पर वो फाइट जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, ठीक है। आप लोग को कम से कम ये तो पता रहेगा कि भाई वो हम मतलब मैं नॉक हो गया, वो सामने वाला बंदा मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता रहेगा ना, मतलब रहेगा। और गाइस अगर आप लोग डुओ पुश कर रहे हो या सोलो भी पुश कर रहे हो, तो कभी भी इस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों को क्लोज रेंज फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि भाई 50-50% चांस रहता है कि
मतलब वो भी जीते और आप भी जीते, दोनों में 50-50 का चांस रहता है, ठीक है, वो भी जीत सकते हैं आप भी जीत सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि भाई 50-50 का चांस रहता है आप लोग में से, ठीक है, आप भी जीत सकते हो, वो भी जीत सकता है, ठीक है। तो भाई आप लोग बोलेंगे भाई केडी नहीं रहेगी, हम लोग फाइट नहीं लेंगे और किल नहीं मिलेंगे, तो गाइस चिंता मत करो, केडी भी आप लोग को आपका भाई दिलाएगा। देखो जब हम लोग सीजन 10 में कॉन्करर करते थे, जब हम लोग शुरू में हम लोगों ने बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी फाइट नहीं, भाई इतना ज़्यादा सेफ खेला था ना, इतना ज़्यादा सेफ खेला था, हद से ज़्यादा सेफ खेला था भाई। प्लेन जाता था जोर जोर से, तो हम लोग जाते थे गाइस कमेश्की, ठीक है, कमेश्की जब तक जाते थे, जब तक वहाँ बैठे रहते थे, जब तक 30 बंदे लाइव नहीं रहते थे, ठीक है, 30 बंदे जैसे ही लाइव हुए तो हम लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकले, निकलते हम लोग आए बीच सर्कल में नहीं, एंड सर्कल में थोड़े आए, और फिर बंदे बचे 15, तो फिर हम लोगों ने ली फाइट स्टार्ट करी लेना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डुओ में कॉन्करर पुश करते थे, ठीक है, और काफ़ी सही पुश किया था हम लोगों ने, कम से कम 210 या 220 मैच में हम लोग कॉन्करर पहुंच गए थे, और हमारा सर्वर रैंकिंग चल रही थी वो 350 या 250 चल रही थी, ठीक है। और जब के टाइम पे भाई उतनी दिक्कत थी, जब मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता था पबजी मोबाइल की वीपन ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाता था, ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, नहीं तो आप प्रूफ तो देख ही सकते हो, मेरे पास भाई सीजन 10 का फ्रेम है, टाइटल है, और प्रोफाइल में भी बता रहा है सीजन 10 कॉन्करर, ठीक है। तो इन बातों का भाई ध्यान रखना है, जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं अभी, और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। और हाँ एक और चीज़ भाई, आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते तो भाई कितने लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे देखते, तो भाई क्या कर रहे हो यार, कर दो यार सब्सक्राइब, कब करोगे सब्सक्राइब, आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो डालेगा, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो और टॉपिक के ऊपर बढ़, सो गाइस अब आप लोग बोलोगे भाई हमारे मैच में हैकर आ गया तो हम कैसे मतलब हैकर आ गया है ये हम लोग कैसे पता लगाएं, ठीक है, हैकर आ गया है और या हैकर है आपके मैच में, आपको पता है कि हैकर है, चलो छोड़ो पहले अब हम लोग बात करेंगे कि हैकर है हमारे मैच में वो कैसे पता लगाएं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप लोग को लॉबी के पूरे में घूम के देखना है कि आपको भाई ऐसे ऐसे टाइटल दिख रहे हैं, देखो टाइटल्स के नाम बता रहा हूँ आपको, ऐसा टाइटल दिख रहा है जो कि है इंडिया का टाइटल है या कोई भी टाइटल हो, आपको ऐसा टाइटल दिख रहा है जिस पे लिखा है लॉन्ग शॉट, और लिखा है क्लोज इनकाउंटर, और लिखा है हेड्स अप, और भी कोई टाइटल है जो कि मैं आपको बताता हूँ जो कि क्लोज ही क्लोज में लड़े जाते हैं या दूर दूर में लड़े जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इन टाइटल के अगर ये टाइटल आपको दिख रहे हैं तो गाइस वो गेम आप लोग लीव कर दो, क्योंकि आपको उसमें चिकन डिनर नहीं मिलने वाला है। वो बंदे क्या करते हैं गाइस, जोन के बाहर भी मारेंगे, ठीक है, आप लोग को जोन के बाहर भी मारने आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है भाई, हम लोग डुओ पुश करते थे ना, हमारे साथ हुआ है, ठीक है। और आप लोग अब बोलोगे भाई हम लोग मतलब ध्यान नहीं दिए, हमारे अंदर ये सब बंदे थे, हम लोग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, तो अब हम लोग इनसे बचेंगे कैसे, तो आप लोग को बचने का एक ही तरीका है भाई, सेक में बैठ जाओ बिल्कुल जोन के बाहर, बहुत दूर बिल्कुल, ठीक है, और लॉबी आपकी खाली हो रही है, ठीक है, लॉबी आपकी खाली हो रही है तो 100% भाई बहुत जल्दी आपकी लॉबी खाली हो रही है तो 100% प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ उस लॉबी में आपके हैकर। सो आपको पता है गाइस हैकर है इस मैच में, तो आप लोग को भाई बहुत हद से ज़्यादा सेफ खेलना है, जोन के कम 1500 मीटर दूर पे रहना है आप लोग को, जोन अगर गाइस मतलब कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जोन आपका है बीच सर्कल में तो आपको उसके 1500 मीटर दूर रहना है ताकि हैकर ना आ पाए, क्योंकि गाइस अगर आप लोग जोन के पास रहोगे, जोन के बाहर भी रहोगे ना, थोड़ा 500-600 मीटर दूर रहोगे जोन के, तो भी हैकर आके मार देगा, क्योंकि भाई ये जो ट्रिप है ना जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ ये खुद मैं फॉलो करता था, ठीक है, और ये काफ़ी जो मतलब यूट्यूबर्स मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना यूट्यूब पे ये वाले टिप्स नहीं बताई होगी भाई कि हैकर है आपके मैच में तो आपको कैसे बचना है, ठीक है, और सब भूल जाओ कि गाइस वो मैच आपका चिकन होगा। हाँ अगर आप लोग ये ट्रिक और फॉलो करते हो जो मैं आपको बताता हूँ तो उससे आपका चांस रहेगा कि आप लोग का चिकन डिनर हो जाए, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका भाई आप लोग टॉप 10 में पहुँच गए हो, ठीक है, और आपके आप देखो टॉप टेन में पहुंच गए और हैकर सबको ख़त्म कर दिया और आपकी 1v1 मतलब कि 2v2 फाइट होने वाली है, ठीक है। तो हैकर को आप लोग दिख रहे हो गाइस, ठीक है, आप लोग कुछ भी करोगे, नेड या मोली करोगे, सब कुछ करोगे तो भी आप लोग को हैकर आपको देख पाएगा, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग को फिर करना क्या रहेगा भाई, जंप करने लगो, गन पीछे करके जंप करने लगो, ठीक है, उसके सामने जाओ, जंप करने लगो, और जब वो आ जाए, ठीक है, तो अब आप जब आपको बोले वो भाई गन फेंक दे, गन फेंक दे, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आप उसको मतलब उसके मतलब चंगुल में मतलब फंसा के रखो उसको, ठीक है, ऐसे फंसा के रखो और अपने टीममेट से बोलो भाई दूर रहना, कवर देना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस हैकर को आप लोग को आपके टीममेट से मरवा देना है, ठीक है। तो भाई हम लोग तो ऐसे ही करते थे, मतलब टीम अप के नाम पे हम लोग धोखा दे देते थे बंदों को नहीं देते थे, जो मतलब बंदा चीटिंग करता है, जो हैकिंग करता है, उसको सिर्फ धोखा देते थे, ठीक है। मतलब क्या करते थे हम लोग भाई, मैं चला जाऊंगा, मतलब कि ठीक है, जिन दिन जो है पीछे से कवर देगा, ठीक है, मैं हैकर के सामने जाऊंगा, बोलेगा हैकर भाई गन वन सब फेंक दे, ठीक है, तो हम लोग गन वन फेंक देते थे और मतलब हैकर जैसे ही पीछे देखता था और भाई पीछे से डीन ख़त्म कर देता था, ठीक है। आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है। सो आई होप गाइस आपको ये थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फॉलो करने में, मतलब ये फॉलो करोगे तो आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा गाइस, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ पसंद आया ना, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि भाई यूट्यूब रिकमेंड भी ना करे मेरी वीडियो तो अभी आप लोग देख पाओ, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी नया बंदा है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज यार, ठीक है, रिक्वेस्ट है तुम्हारे भाई की यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो और भी अगर वीडियो आप लोग को चाहिए और हटके चाहिए, कॉन्करर की वीडियो चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स ही चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर गाइस 5000 लाइक आते हैं इस वीडियो में, तो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, ठीक है, अगर आप लोग पार्ट मतलब 5000 लाइक करवा देते हो। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।